दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह प्रेरणा प्रसंग हमें सिखाएगा कि जिंदगी में आने वाले दुख एवं बुरी घटनाएं हमारे साथ ही क्यों घटित होती हैं। एक बार एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास जाती है और गौतम बुद्ध के पास जाकर कहती है कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई सुख का मार्ग हो तो मुझे बताएं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे माता, तुम्हें क्या दुख है? तब वो महिला कहती है कि हे महाराज, मेरे पुत्र का निधन हो चुका है, परिणाम स्वरूप मेरी जिंदगी नीरस एवं बेरंग हो चुकी है। कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। यह दुख, दर्द एवं बुरी घटनाएं मेरे साथ ही क्यों घटित होती हैं? मैंने किसका क्या बुरा किया है? गांव में सभी लोग सुख एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आखिरकार मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों आते हैं? तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे माता, बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो रही हो? इस समस्या का समाधान तो बड़ा ही सरल है। तुम चाहो तो कुछ ही समय में अपने इन दुख दर्द को दूर कर सकती हो। यह सब सुनते ही उस महिला के चेहरे पर एकाएक मुस्कान आ जाती है। महिला का चेहरा एकदम खिल उठता है और वह महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि हे महाराज, आप मुझे बस यही उपाय बता दीजिए, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। तब गौतम बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि जाओ, जाकर के गांव के किसी ऐसे घर से अपनी झोली में अन्न लेकर आओ जो तुम्हें लगता है कि यह परिवार सुख एवं समृद्धि से रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस घर के किसी भी सदस्य को कभी भी दुख एवं दर्द का सामना न करना पड़ा हो। तब वह महिला एकाएक खुश हो जाती है और कहती है कि हे महाराज, यह तो बड़ा ही आसान कार्य है। गांव में ऐसे सैकड़ों घर हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वो मुझे एक झोली अनाज भी आसानी से दे देंगे। महिला एक एक करके गांव के सभी धनाढ्य एवं सुख समृद्ध समझे जाने वाले परिवारों में जाती है और सभी से बस एक ही बात कहती है कि मुझे एक झोली अनाज चाहिए। यदि आपने कभी भी अपने जीवन में दुख दर्द का सामना न किया हो। वह महिला गांव के सभी परिवारों के पास जाती है, लेकिन गांव का कोई भी परिवार उसे ऐसा नहीं मिलता जिसने कभी न कभी दुख या दर्द का सामना न किया हो। कोई उस महिला को कहता है कि मुझे तो व्यापार में इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि यदि मेरे आगे पीछे मेरा परिवार न होता तो मैं आज ही खुदकुशी कर लेता। कोई कहता है कि मैं तो पिछले एक महीने से सुखचैन की नींद नहीं सो पाया हूँ। कोई उस महिला से कहता है कि मैं तो पिछले 3 वर्षों से असाध्य बीमारी का सामना कर रहा हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कोई कहता है कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन घर में कभी भी सुख शांति एवं समृद्धि नहीं आती, तो मैं तो बड़ा ही दुखी हूँ। कोई कहता है कि मुझे तो मेरे पति बहुत परेशान करते हैं, तो मैं तो बड़ी दुखी हूँ। कोई कहता है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, कोई कहता है मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन गांव का कोई भी परिवार उस महिला को ऐसा नहीं मिला जो कि सुख एवं समृद्धि से एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत करता हो। हर किसी परिवार को कभी न कभी किसी न किसी दुख एवं दर्द का सामना जरूर करना पड़ा है। गांव के सभी सुख समृद्ध परिवारों के पास जाने के बाद वह महिला दुखी होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आती है। गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है एवं सारा वर्णन गौतम बुद्ध को सुनाती है। महिला की सारी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों को तुम धनाढ्य एवं सुख समृद्ध संपन्न खुशहाल मानती थी, वो लोग तो तुमसे भी अधिक दुख दर्द का सामना कर रहे हैं। अब जो बीत गया सो बीत गया, बीते को वापस कौन लेकर आ सकता है? सोचो, यदि आज तुम्हारा पुत्र जिंदा भी होता तो तुम क्या करती? सिर्फ यही ना कि उसे लाड प्यार करती, पाल पोस कर बड़ा करती और फिर उसका विवाह कर देती।
यह सब कार्य मनुष्य अपनी आत्मसंतुष्टि एवं वात्सल्य प्रेम में बंधकर करता है। यदि तुम चाहो तो गांव के किसी भी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वात्सल्य प्रेम दे सकती हो। उस अनाथ बच्चे को तुम अपना पुत्र मानकर लाड प्यार कर सकती हो, पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो। यकीन मानो, जितना सुख उस अनाथ बच्चे एवं तुम्हारे दुखी दिल को मिलेगा, इतना तुम्हें संसार की कोई भी वस्तु नहीं दिला सकती। महात्मा गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला भाव विभोर हो जाती है। महिला की आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है और वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है। कहती है कि महाराज, आपने मुझे जिंदगी के असली सुख से रूबरू करा दिया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। यह कहकर महिला खुशी खुशी गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह प्रेरणा प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा, जो दुख दर्द आएंगे वो आकर ही रहेंगे। जीवन का असली सुख सुख भोगने में नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने में है। दूसरों के दुखों को दूर करने में जो सुख की अनुभूति प्राप्त होती है वह अमूल्य है। जीवन में आने वाले दुखों को देखकर अपने जीवन को नीरस बनाने से कोई भी फायदा नहीं है कि दूसरों के दुखों को दूर करना। अपने सुखों की वही सच्ची अनुभूति होती है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको गौतम बुद्ध के इस प्रेरणा प्रसंग से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि हो सके तो अपने अन्य चहेतों के साथ इस प्रेरणा प्रसंग को साझा अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतजार रहेगा मुझे कल का आपके साथ ऐसा ही कोई एक प्रेरणा प्रसंग साझा करने के लिए।